सलमान खान अगर नहीं है तो बिग बॉस नहीं है। ये टेलीविजन में उतना स्कोप नहीं हो पाता, टीटी प्लेटफॉर्म होंगे उतना ज़्यादा यू नो कंटेंट आएगा और एक्टर्स को काम करने का मौका मिलेगा। जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे उतना ही ज़्यादा शायद एक्टर्स को मौका मिलेगा काम करने का। तो मतलब कहाँ कहाँ अभी धूम नहीं है इस मूवी। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका और आज मेरे साथ वो है जिन्होंने बिग बॉस में धमाल मचा, उसके बाद हमें एक टीवी शो में भी जल्दी देखने मिले। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है बाहर की दुनिया, कितना प्यार मिल रहा है और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट का आप इंतजार कर रहे हैं? पहली बात तो थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। बाहर आने के बाद सी इट्स बीन वन ईयर और एक साल में मैंने काफ़ी काम कर लिया है, दो शोज़ कर लिए हैं और बहुत अच्छे शोज़ किए हैं और अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि और अच्छा काम मिले यू नो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मैंने एक ब्रेक दिया था अपनी जर्नी में, टेलीविज़न की जर्नी में, कि मायथों से हट के कुछ काम करना है। तो अभी वही है कि ओटीटी में या तो वेब सीरीज़ या फिर अगर शो भी है तो शो भी ऐसा कि मज़ा आए करने में, कि यू नो लगे रहें ओके कि क्रिएटिविटी एक अच्छे से जा रही है। अगर बात करें हम आज के इवेंट की, आज की शाम की, तो कहने की ओटीटी से जुड़ा हुआ है और एक एक्टर के लिए अभी के दौर पर, अभी के टाइम पर ओटीटी एक बहुत बड़ा चेंज बन गया कि ओटीटी में आते ही लाइफ में एक चेंज आता है कि एक्टर के, जैसे लाइक विजय वर्मा, उन्हें हम नेटफ्लिक्स का दामाद कहते हैं क्योंकि अक्सर नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आते हैं। आप आज की डेट में ओटीटी को किस तरीके से देखते हैं एज एन एक्टर? अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं मुझे ऐसा लगता है कि जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे उतना ही ज़्यादा शायद एक्टर्स को मौका मिलेगा काम करने का, एक्सप्लोर करने का। इट्स जस्ट कि ये इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। आज ही क्या कह रहे थे? भूल गए। तो हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से कह रहे थे ओटीटी को लेकर। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी एक्टर्स के लिए भी कि जितने ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म होंगे उतना ज़्यादा यू नो कंटेंट आएगा और एक्टर्स को काम करने का मौका मिलेगा, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलेगा। क्योंकि मोस्टली आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है टेलीविज़न में उतना स्कोप नहीं हो पाता है स्पेशली फॉर बॉयज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए शायद ओटीटी के अंदर बहुत चांसेस हैं कि कुछ अलग कर, जैसे आपने अभी बोला कि हम दामाद बोलते हैं विजय को, सो इट्स लाइक दैट। तो या आई थिंक, मुझे लगता है कि इट्स गुड। मैम, जो बात करें ओटीटी, तो ओटीटी बिग बॉस में फिलहाल में अनिल सर ने होस्ट किया था, अब सलमान सर फिर से आ रहे, तो फैंस ज़्यादा एक्साइटेड सलमान सर को फिर से एक बार नए अंदाज में देखने के लिए। आप क्या कह रहे हैं, जब अनाउंसमेंट होती है बिग बॉस की और पता चलता है भाई सलमान भाई होस्ट करें, कैसा लगता है? मुझे तो, मैं ऑनेस्टली, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान अगर नहीं है तो बिग बॉस नहीं है। मुझे वो ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन बिग बॉस और सलमान खान, ये दोनों ही बनी है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इन दोनों की ये जो जोड़ी है ना, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो सलमान सर है, मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा। अगर फिल्मों की बात करूँ, रिसेंटली इम्तियाज़ अली से मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा कि मैं लैला मजनू जैसी को एक नई लव स्टोरी लेकर आना चाहता हूँ, अगर मौका मिलता है काम कर तो करना चाहूँगी। ऑफकोर्स डेफिनेटली, वाई नॉट, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लैला मजनू, तो मतलब कहाँ कहाँ अभी धूम नहीं है इस मूवी की। सो और इम्तियाज़ सर, इट्स ही हिमसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूट, तो जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क। एनी लास्ट मैसेज टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस जो आपको इतना प्यार देते हैं? इतना सारा प्यार देने के लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ और बोलती आऊँगी, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और हम सब बहुत अच्छे से बस ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।